हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। और आज जो मैं बना रही हूँ ना, वो रेसिपी है बचे हुए ब्रेड पीसेस और आलू के साथ तैयार की गई रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार है। और इसका प्रिपरेशन टाइम है सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट में आप जब जी चाहे बच्चों के लिए या पार्टी के लिए ये फटाफट रेडी कर सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, या शाम की छोटी मोटी भूख होती है जो वो चाय के साथ आप बना सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। और इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, आलू और ब्रेड। तो मैंने ये बॉयल्ड आलू लिया है और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे आलू में, जो गुठलियाँ हो जाती हैं ना, वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इस तरह मैं इसे आलू को पूरी तरह ग्रेट कर लूँगी। अब आलू मैंने ग्रेट कर लिया और ये जो पीसेस होते हैं ना ब्रेड के, जो नीचे के होते हैं और बच जाते हैं और कोई उनको खाता नहीं है, तो इसे मैंने मिक्सर में पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है। और इसमें हम 1 कप ब्रेड क्रम्स के डालेंगे जो हमने वो बची हुई पीसेस से बनाए थे। और साथ में हम ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट यानी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने, जीरा डाला 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही डाला मैंने अजवाइन। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। तो ये बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चाट मसाला, तो चटपटा बना रहे हैं तो चाट मसाला तो चाहिए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला, इससे इसका टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। और थोड़ा सा कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल समोसे कचौरी को भी फेल कर देगा, क्योंकि जो हमने सारे मसाले डाले हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा इसका जो एकदम जायका आता है। और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता जो है वो चॉप करके डाला है। और इनको अब हम अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। और इन सबको मिक्स करने के बाद एक डो फॉर्म हो जाता है। तो इस जो हमने डो बनाया है ना आलू और ब्रेड को मिक्स करके, इससे छोटे छोटे गोलियां बनाकर, और जैसा भी शेप आप देना चाहें इसको दे सकते हैं। तो मैं इसको एक स्क्वायर सा शेप दे रही हूँ। तो ये छोटे छोटे बाइट्स जैसे बनेंगे और जो बहुत ही कन्वीनियंट होंगे, आप चाय के साथ रखें या बच्चों को बिल्कुल भूख लगती हो, समझ नहीं आता कि क्या बनाएं, तो आप फटाफट इसे रेडी कर सकते हैं। और यकीन मानिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसे प्रिपेयर करने में। तो इस तरह हमने ये छोटे छोटे सारे इसके बाइट्स जो हैं वो तैयार कर लिए। तो इनको फ्राई करने से पहले मैं थोड़ा सा एक मैदा का स्लरी बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और उसमें पानी डालना है। तो बिल्कुल फ्लोइंग जो कंसिस्टेंसी होती है ना स्लरी के लिए, बिल्कुल वैसा ही करना है। तो ये क्या होता है, जब आप इसमें कोट कर लेते हैं तो इससे तो ऑयल का में एब्जॉर्ब होता ही होता है, और साथ ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह हम इसे पहले इसमें कोट कर लेंगे। और साथ में मैं रखूँगी ब्रेड क्रम्स जो मैंने ब्रेड पीसेस से बनाए थे। और मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। हाँ, तो हम जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे ना ब्रेड पीसेस के, उसको यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो पहले आपको स्लरी में इसे कोट कर लेना है, डिप कर लेना है, और उसके बाद आपको ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको रेडी कर लेना है। और इसकी खास बात जो है ना वो ये है कि आप इस तरह से बना के ना फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये 1-2 हफ्ते तक आराम से चल जाता है। तो कभी आपकी पार्टीज़ हैं कुछ हैं, तो आप इसे बना कर रख सकते हैं, या बच्चों की छुट्टियां होती हैं और वो बीच बीच में भूख लगती है, उनको कुछ चाहिए रहता है, तो आप इस तरह अगर आपके फ्रिज में स्टोर रहेगा तो आपको बस इसको डीप फ्राई करना होगा और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एक कढ़ाई गरम करनी है और उसमें तेल ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया, आप कोई भी तेल अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इसे रख दिया था इन बाइट्स को। तो अब हम इसे तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे।
और हमें इसे पलट कर दोनों साइड से तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा एक कलर आता है ना वैसा ना हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो करीब 1 या 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हैं आपके प्लेट में आने के लिए। तो बस इन्हें निकाल लीजिए और एक आप कोई भी किचन टॉवल यूज़ कर लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ढेंटन एंड हमारे जो बाइट्स हैं बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रहे हैं ये। तो फटाफट एक कप चाय बनाइए और इनका मज़ा लीजिए केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये, तो इसे ज़रूर एक ट्राई दीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ के आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलती हूँ फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।